नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है और मैंने जो हाल ही में आरएएस 2016 की परीक्षा हुई है उसमें मैंने 18वां स्थान प्राप्त किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैं राजस्थान के नागौर ज़िले का डीडवाना तहसील के बेड़वा गांव का रहने वाला हूँ और इससे पहले मैंने 15 साल तक भारतीय नौसेना में कार्य किया और फरवरी 2015 में मैं रिटायर हुआ और रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने आरएएस परीक्षा 2016 के लिए अप्लाई किया और इस परीक्षा में मैंने एक अपने सिस्टमेटिक ढंग से अनुशासनात्मक तरीके से रहते हुए ईमानदारी से तैयारी की और इस परीक्षा में मैं सफल रहा। दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आरएएस में मतलब एक टॉपर्स की श्रेणी में आ गया हूँ और आरएएस परीक्षा मैंने सफलतापूर्वक इसको मैंने इसमें सफलताएँ पाई है, तो बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं या जो लोग आरएएस बनना चाहते हैं, उन लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर आपने क्या किया, आप अपने बारे में बताइए, आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, आपने कौन कौन सा स्टडी मटेरियल लिया, कहाँ से गाइडेंस ली, कहाँ से कोचिंग की। इसके बारे में मेरे पास ढेरों फ़ोन आते हैं और लोगों की रिक्वेस्ट आती है और ये लाजमी भी है क्योंकि जब तक मैंने ये एग्ज़ाम पास नहीं किया था तब मेरे को भी ऐसा लगता था, मैं भी जो टॉपर्स होते थे उनसे मिलने के लिए ललचाता रहता था और उनसे उनके इंटरव्यू भी मैं पढ़ता था। तो इससे काफ़ी आपको इंस्पिरेशन मिलती है और आपको अपने आगे की दिशा तय करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। मैं आपको कुछ वाक्य बताना चाहूँगा कि मतलब मैं मेरी क्लास में सबसे छोटा लड़का हुआ करता था और गाँव में लड़के जनरली 9th-10th में काफ़ी बड़े बड़े होते थे, तो हम लोग बस में जाते थे, मतलब एक साइड में हम बस से जाते थे और एक साइड से पैदल आना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं कि एक 14-15 साल का लड़का और मेरा गांव वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता था, तो 8 किलोमीटर मैं अकेला पैदल पैदल डर के मारे सहमा हुआ आता था। तो मतलब ये मान सकते हैं कि जो वो संघर्ष भरी ज़िंदगी थी और जो वहाँ पे हमारे को मुसीबतें आई उन्होंने हमारे को काफ़ी मजबूती प्रदान की और उस मजबूती का ही रिज़ल्ट हम ये देख रहे हैं। जब मैं 12th क्लास में था तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को हार्ट अटैक आया और अब आप समझ सकते हैं कि मैं मेरे फादर का सबसे बड़ा बेटा था और उस एग्ज़ाम के टाइम में फादर को हार्ट अटैक आना और उससे कितना पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन फिर भी मैंने कैसे न कैसे मैनेज किया और 10th में मेरे 74% रहे और 12th में मेरे 69% रहे। 12th पास करने के बाद में मैंने इंडियन नेवी का एग्ज़ाम दिया और जैसा कि मैंने आपको बताया पापा बीमार रहते थे क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे और पापा चाहते भी ये थे कि मैं बड़ा लड़का हूँ, मैं कोई एक जॉब ज्वाइन कर लूँ और मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद में मतलब नेवी में भी अब आप देख सकते हैं कि अब जॉब के साथ में पढ़ाई वगैरह हो नहीं पाता, तो मैंने नेवी में रहते रहते ही मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज ए प्राइवेट स्टूडेंट किया। मेरे छुट्टी आते थे यहाँ पे 1 week सीरीज लेके और उसके बाद में एग्ज़ाम देते थे। नेवी में रहते रहते भी मैंने जो आर्म फोर्सेज में जो ऑफिसर बनते हैं उसके लिए मैंने ट्राई किया। मैं 4 बार SSB गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें रिकमेंड नहीं हो पाया और मैं हमेशा कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। तो उस ज़माने में मैं जिस जॉब में था वो हमारा लॉजिस्टिक ट्रेड था और स्टोर ब्रांच थी मेरी, तो जो स्टोर से जो स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर बनते थे उनको बोला जाता था SDS। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था और दूसरे लोग भी एकदम मायूस और निराश रहते थे तो मैं उनको मोराल अप करने के लिए जनरली उनको एकदम चीयर अप करता था। मैं बोलता था अरे यार कोई बात नहीं, साला SDS नहीं बनाएगा तो SDM बनाएगा। और वो बात आज ऊपर वाले की दया से सच हो गई कि मैं राजस्थान में जो मुख्य सेवा है राजस्थान की सबसे हाईएस्ट सेवा RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं कुछ दिनों बाद में ट्रेनिंग पीरियड के बाद में हो सकता है कि मैं SDM की पोस्ट पे मेरे को लगा दिया जाए। तो इस प्रकार मैंने 15 साल नेवी में नौकरी की, 15 फरवरी में मैं रिटायर हुआ। CGL एक एग्ज़ाम होता है SSC के थ्रू, तो मेरे कुछ लोग जो मेरे दोस्त थे नेवी वाले जो मेरे को जानते थे उन्होंने बोला यार तेरा मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छा है तो तेरे को CGL देना चाहिए, तो मैंने 2015 का CGL दिया। तो उस टाइम भी मैं बिजनेस और दोनों एक साथ कर रहा था और एक दो मेरे सीनियर हैं, एक तो योगेंद्र सर हैं जो मेरे साथ में अभी जॉब कर रहे हैं और पहले भी मेरे साथ में रहे हैं, उन्होंने बोला दिलीप दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और अनफॉर्चुनेटली जो CGL की एक्स सर्विसमैन के लिए जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पर मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिली। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिलने के बाद में जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट हाईएस्ट पोस्ट थी वो ऑडिटर थी और मेरे को अच्छे मार्क्स होने की वजह से वो जयपुर मिल गई। उस टाइम मेरे को ज़रूर ख़राब लगा लेकिन ये एक बहुत अच्छा रहा कि मेरे को जयपुर ऑडिटर मिल गई। फिर मैंने 2016 CGL भी दिया
और उसमें मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिली है, अभी उसकी ज्वाइनिंग होना बाकी है। इसी बीच में जून 2016 से मेरी जो ये नई इनिंग है इसकी शुरुआत होती है। उस समय जो मेरे मामा रतन सिंह शेखावत अभी केवी जोधपुर में टीचर हैं, और उन्होंने अपने जो अपना टाइम था उस टाइम उन्होंने 2-3 बार आरएस दिया और वो हमेशा इंटरव्यू में मतलब रह गए, मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो टीज थी कि चलो मैं तो नहीं बन पाया लेकिन चलो मेरा भांजा ये कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं तू कर सकता है। उन्होंने जब 2012 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट के जो टॉपर से उनकी लिस्ट मेरे को फॉरवर्ड की और उन्होंने बोला कि जब ये लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है, और मेरे में उन्होंने वो जज्बा और वो जोश पैदा किया और इसी जज्बे और जोश के साथ मैंने ठानी कि यस मेरे को भी आरएस देना है। तो हमें पता चला कि आरएस का जो एलाइड सर्विसेज होती है उसमें एक्स सर्विसमैन का 12.5% कोटा होता है। तो हमने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो कम से कम तहसीलदार तो बन ही जाएंगे क्योंकि उसमें हाईएस्ट पोस्ट नायब तहसीलदार होती है और उससे प्रमोट होकर तहसीलदार देने से नियम ऐसे बनते हैं। तो हमने सोचा चलो यार ये एक अच्छा है और मैं इसको कर सकता हूँ। फिर मैंने एक दो सीनियर से पूछा, बोला नहीं नहीं आप आराम से कर सकते हैं और आप इसके लिए तैयारी करें। इसी बीच एक मेरे नेवी के मित्र हैं, वो नेवी में कमांडो थे नगेंद्र सिंह, उन्होंने पतंजलि आईएएस ज्वाइन किया था जयपुर में। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि एक बार आप डेमो क्लास लेने के लिए ज़रूर आए मेरे साथ, और हम लोग आए। फिर मैंने पतंजलि आईएएस ज्वाइन किया और शुरुआत होती है हमारे सुजीत सर से, हिस्ट्री के मतलब एक नामी गिरामी टीचर हैं और हिस्ट्री में बोला जाता है कि आधुनिक भारत पढ़ना है तो विपिन चंद्रा की किताब पढ़ें, वो एकदम स्टोरी के टाइप में बताते हैं। और मैं बोलता हूँ कि सुजीत सर खुद चलते फिरते विपिन चंद्रा हैं, वो विपिन चंद्रा स्टाइल में पूरी हिस्ट्री एक स्टोरी के माफिक एकदम प्रसाइज रूप में और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बताते हैं। और यहाँ से मेरी पतंजलि की यात्रा शुरू हुई। मेरे साथ में मेरे 2-3 और मित्र थे नेवी वाले, लेकिन वो बीच में उनका बैंक वगैरह में जॉब हो गया तो वो धीरे धीरे छोड़ के चले गए और मैं अकेला वॉरियर बच गया। लेकिन फिर जो मेरे सिविलियन फ्रेंड्स थे उनके साथ मेरी दोस्ती होगी, जिसमें राम विष्णु रेखा और भी बहुत सारे मित्रगण हैं, उनसे मेरा अच्छा कनेक्शन हो गया और यहाँ से मैंने पतंजलि के साथ में पढ़ना शुरू किया। अब जो मेरे जो सीनियर्स थे, जो पहले बोला करते थे कि आपको एट ए टाइम एक ही चीज़ पे फोकस करना है, तो मैंने अपने सारे बिजनेस सब साइड में करके प्योरली पढ़ाई पे फोकस कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पतंजलि के बारे में कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही हम कोई आरएएस और इस टाइप का कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए हमें जब तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी होगी कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। यदि आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यस मैं कर सकता हूँ, तो हमें पूरे दिलो दिमाग को लगाते हुए एक साथ पूरा जुनून के साथ जोश के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब आपने एक बार ये मानस बना लिया कि मैं कर सकता हूँ तो हम कर सकते हैं। एक क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली ये सकारात्मकता या पॉजिटिविटी बनाने का एक तरीका है। और इसमें कहा जाता है कि जो भी एनर्जी या जो भी ऊर्जा निकलती है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में टकरा के वापस आती है। यदि हम सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो वाकई में आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आप उसके लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच करके और उसमें मेहनत करें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और ये आइडिया दिया मेरे जो दोस्त कमांडो जिनको मैं बता रहा था, जिनकी सहायता से मैंने पतंजलि ज्वाइन किया था उनसे। पतंजलि का सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहा कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स बहुत अच्छी फैकल्टी है। धर्मेंद्र सर के नेतृत्व में मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशन यहाँ मिलता है कि उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये पूरा रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं, एकदम टारगेट ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं और आपको इसी से स्टिक रहना है। और मैंने जैसा जैसा मेरे गुरुजनों ने कहा, मैंने उनमें अगाध श्रद्धा और उनके आदर भाव रखते हुए मैंने उनके जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो फॉलो किए। और मेरी जो पढ़ाई का मूल मंत्र आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं, तो जो भी पतंजलि में पढ़ाया गया और स्पेशली जो क्लास नोट्स थे, क्लास नोट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, उनको बार बार रिवाइज किया और जब एग्ज़ाम आया उससे जस्ट पहले जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट इस प्रकार के कोई भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें की होती है, बिकॉज जो गलतियां हम पहले करने वाले होते हैं, मीन्स एग्ज़ाम हॉल में करने वाले होते हैं, वो हम पहले कर सकते हैं, तो वो गलतियों में आप अकॉर्डिंगली सुधार कर सकते हैं। मैं बेसिकली डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि यदि आप पीस टाइम में जितना पसीना बहाएंगे उतना आपको वार जोन में खून कम बहाना पड़ेगा, और ये पूर्णतया सच्चाई है। ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसको जी के देखा है। जितने आप मौक देंगे उतनी आपकी गलतियां सुधरेगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। मैंने इसी बीच दिसंबर तक पतंजलि आईएएस में पढ़ाई करने के बाद में फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को रिटर्न प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं +2 तक ही एक रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ,
उसके बाद में मैं फौज में चला गया था। प्लस टू तक मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, नेवी में जो हमारा माहौल था वो इंग्लिश मीडियम था, और फिर मैं आके मैंने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया। तो मेरे कुछ सीनियर्स ने बोला कि आपको इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में आपके मार्किंग अच्छी होती है और आप इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और मैं भी फील करता हूँ कि मैं इंग्लिश में अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम शुरू किया। जो भी मेरे इस जर्नी में जो हर एक व्यक्ति, हर पड़ाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका सभी का एक योगदान है और उस योगदान के कारण ही मैं आज इस मंजिल पर पहुँचा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब हम क्लास में लिखते थे, सर कुछ नोट्स लिखवाते थे तो हम लिखते थे, जब हम लिखते थे तो मेरे जो साइड में जो मित्रगण बैठते थे, मैं उनको बोलता था कि आप मेरे को छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की जो भी गलतियाँ हो, या कहीं कोमा नहीं लगाई, डॉट नहीं लगाया, तो वो आप मेरे को बताएं। और मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि विद इन ए पीरियड ऑफ 2 to 3 months उन्होंने मेरे को एक शुद्ध हिंदी लिखना सिखा दिया। इस प्रकार मैंने अपनी धीरे धीरे हिंदी इम्प्रूव की। पतंजलि में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जिसमें 8 पेपर हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस 8 पेपर में मैं 6 बार टॉप किया मैंने, और दो बार भी पेपर 1 और पेपर 3। पेपर 1 जो हिस्ट्री और जो ये वाला पेपर होता है, और पेपर 3 जो अपना पॉलिटी IR और उसका, इसमें मैं 2nd या 3rd पोजीशन पे रहा। तो ये सब करने के बाद में मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि यस, जब मैं सूरतगढ़ में कर सकता हूँ, जब मैं पतंजलि में कर सकता हूँ, तो मैं RPSC में भी कर सकता हूँ। और यही कॉन्फिडेंस है जो असली डिमांड है, जो चाहिए, और मॉक टेस्ट से जो हमें प्राप्त होता है वो यही होता है। उस टाइम कुछ सुपरस्टिशन ऐसे भी होते थे, तो जो भी पतंजलि के टेस्ट सीरीज़ में जो भी टॉप करता है वो कभी मीन्स RPSC में उसका सिलेक्शन नहीं होता, या उसके अच्छे रैंक नहीं आती। मैं बोला कोई बात नहीं यार, वो देखेंगे उसके बाद में। और जब मैंने यहाँ पे टॉप किया, मीन्स मॉक टेस्ट में जब मैं टॉप करता था, तो लोग सोचते थे कि यार ये कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई लेक्चरर ऐसा कोई होगा। जब उनको मैं बताता था कि नहीं यार, मैं कोई लेक्चरर या वो नहीं हूँ, मैं एक्स नेवी हूँ, तो लोगों को ताजुब होता था कि यार एक एक्स फौजी ऐसे कैसे कर सकता है। तो मैं बोला कुछ भी हो सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फौजी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो मतलब जो भी टॉपर्स होते हैं वो भी हमारे तरह ह्यूमन बीइंग होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम तैयारी कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो, तो आपको अपने टारगेट हाई सेट करने। सबसे पहले मैंने जब 2013 का रिजल्ट आया, तो उस टाइम के जो टॉपर थे सिंगल साहब, वो फिजिक्स के लेक्चरर थे, मैंने उनकी मार्कशीट देखी। उनकी मार्कशीट में टोटल मार्क्स थे 522। तो मैंने सोचा कि मैं चलो एक सर्विसमैन हूँ, हो सकता है कि इंटरव्यू में मेरे को कुछ कम मार्क्स मिलें। तो मैंने 50 नंबर इंटरव्यू में रखते हुए मैंने सोचा कि 475 नंबर मेरे को रिटर्न में लाने। और जब उनके मैंने पेपर वाइज देखा, तो जो फिगर था उसके आसपास मैंने प्रेडिक्ट किया कि मैं इतने ला सकता हूँ, और मैंने अपने दोस्तों को बताया। तो कुछ दोस्तों ने मेरे को कहा, भाई साहब आपने अभी तक RPSC का एग्ज़ाम दिया नहीं है, आपको पता नहीं है कि RPSC की मार्किंग कैसे होती है, और आप ये इतने नंबर लाना कोई मामूली खेल नहीं है। लेकिन मैंने वो प्रण कर लिया था कि मैं ला सकता हूँ तो ला सकता हूँ। तो इसी प्रकार आप में वो एक कंपटीशन वाली भावना होनी चाहिए कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब वो एक फायर पावर आप में होना चाहिए, वो एक मतलब किलर इंस्टिंक्ट आप में होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप कंपटीशन लें और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए आप उस कंपटीशन से प्रेरित होकर आप मेहनत करें, निस्संदेह रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं एग्जैक्ट वो स्कोर तो नहीं कर सका, बिकॉज़ जो इस बार सेकंड पेपर था, और 2013 का सेकंड पेपर था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। सेकंड पेपर जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी, उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैंने मॉक में भी ये टेस्ट दिए थे और मैंने प्रूव किया था। उसमें मेरे 140 नंबर में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन सिर्फ मेरे 98 मार्क्स आए। तो इसमें कोई बात नहीं, 98 आए तो मेरे जब पेपर टफ था, सभी के पेपर ख़राब हुए, तो मेरे भी 98 ओके थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम टारगेट ऊपर रखेंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं हो सकती, 80% एक्यूरेसी तो हम गेन कर ही सकते हैं। तो उस 80% एक्यूरेसी का रिजल्ट ये है कि मेरे 469 मार्क्स बने। मैं 522 को तो रिपीट नहीं कर सका, लेकिन उस दिए को या मतलब उस चिराग को देख के मैंने जो तैयारी की, तो उसके आसपास तो पहुंचा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते 18वीं रैंक पे आने वाला मैं पहला बंदा हूँ। इससे पहले हमारे एक नेवी के सीनियर रहे हैं, धीरे झाझड़िया सर, वो 156वीं रैंक उनकी थी, उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन उस टाइम वो सब्जेक्ट वाला इशू होता था, तो स्केलिंग वगैरह होती थी। वो फिलहाल अभी RTS के पद पे कार्यरत हैं। अब हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपकी बुक्स आपने कौन कौन सी रेफ़र की, इसके लिए आपको आप हमें गाइड करें, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बातें कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से बुक्स रेफ़र करने चाहिए और ये क्या 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 कर सकते हैं। तो जैसे हम इतिहास की बात करते हैं, तो
तो इतिहास का जो मैंने मैं मेरे बारे में बताऊं तो इतिहास में एक तो विपिन चंद्रा की किताब आती है आधुनिक भारत की, उसके बारे में सर ने सजेस्ट किया था, ऑल्दो मैंने वो किताब नहीं खरीदी, और मैंने पतंजलि के प्रिंटेड नोट्स और पतंजलि के जो क्लासरूम नोट्स वही पढ़े। अब इसके लिए हम कोई किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ सकते हैं, या जो आज़ादी के बाद के भारत में विपिन चंद्रा की किताब स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा की किताब पढ़ सकते हैं, और कला और संस्कृति का एक अभी पोर्शन जोड़ा गया है उसमें भी कोई अच्छे आप इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, बिकॉज जो पहले वाली कला संस्कृति है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। जो अर्थव्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, अर्थव्यवस्था में मैं आप लोगों को एक राय दूंगा कि जो हमारे राजस्थान के बजट के बाद में जो आर्थिक समीक्षा आती है वो आप ज़रूर पढ़ें। मैंने भी ये गलती की, मैं सोचता था कि ये आर्थिक समीक्षा कोई दो पेज का पन्ना होता होगा और उसमें डेटा होते होंगे, और डेटा से मेरे को चिढ़ थी, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें। 15 से 20 क्वेश्चन प्री में लगभग, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो उसके आसपास, और मेंस में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना है। और क्लास 9 10 11 और 12 की एनसीईआरटी आप अर्थव्यवस्था के लिए पढ़ सकते हैं। अब सामान्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी मीन्स साइंस और जो टेक वाला जो पोर्शन है, इसके लिए आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ सकते हैं, और इसके लिए जो हमारी एनसीईआरटी वो भी रेफ़र की जा सकती है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शास्त्र के मुद्दे, एक इसकी लक्ष्मीकांत की किताब आती है पॉलिटिक पे, और एक राजेश मिश्रा सर है उनकी भी एक किताब आती है। राजेश मिश्रा सर से मैं भी पढ़ा हूँ पतंजलि में, वो बहुत ही शानदार टीचर हैं, बहुत ही प्रसाइज पढ़ाते हैं और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा 9वीं से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी में जो टॉपिक हमारे यहाँ है वो पढ़ें। भूगोल में कुछ लोग बोलते हैं वर्णवाल पढ़ें, कुछ बोलते हैं अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं कहूँगा कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ें, जो भी हमारे रिलेटेड टॉपिक है उनको टिक मारें और वही पढ़ें। प्रशासनिक प्रबंध में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आप 11वीं 12वीं की जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक रेफ़र कर सकते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स। राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि राजस्थान में एक क्रोनोलॉजी 11 रुपये की एक छोटी सी करंट अफेयर्स की बुक आती है वो पढ़ें। इसके साथ ही एक afe.is.com एक साइट है, उस साइट को आप रेफ़र करें, वहाँ से आप ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुन सकते हैं, उस न्यूज़ पे बेस एनालिसिस सुन सकते हैं डेली बेसिस पे, और जो भी न्यूज़पेपर क्लिपिंग है मेजर एडिटोरियल है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली वो एक आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइट बनाई हुई है, और एक डॉक्टर विजय अग्रवाल सर हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, वो नॉमिनल चार्जेस पे कुछ 15 दिन का कोर्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन उनकी सर्विसेज वो रियली बहुत अच्छी है, और आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो राजस्थान के बंदे वो हिंदी मीडियम से देते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वो अच्छा प्रयास है। इसके अलावा आप राज्यसभा, लोकसभा और दूरदर्शन की न्यूज़ देख सकते हैं, साथ ही साथ इन पर जो डिस्कशन आते हैं, डिबेट आते हैं वो देख सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि जो दूसरे प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं वो ना देखें, वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में उनका झुकाव होता है, तो इससे हमारी जो मानसिकता है, जो हमारी जो सोच बनती है किसी भी मुद्दे पर, उसमें हम मतलब पक्षपातपूर्ण रवैया अपना सकते हैं, तो इससे कृपया बचें। साथ ही साथ न्यूज़पेपर के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए आप राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राजस्थान से रिलेटेड न्यूज़पेपर आपको पढ़ें, राजस्थान से जैसे आपने जो लोकल न्यूज़पेपर है राजस्थान पत्रिका, भास्कर, ये सब पढ़ें। रात दिन कुछ लोग हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वहाँ की बाहर वाली न्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राजस्थान की न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, तो ये हमारा न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स और ये सब इसमें कवर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी जो हमारी रेगुलर बेसिस पे जो हम ये पढ़ रहे हैं मंथली मैगजीन, उससे कवर हो जाएगा। इसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम आर एस अग्रवाल की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स कर सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, हाँ इसके लिए राजस्थान में क्लास 9, 10, 11, 12 में राजस्थान अध्ययन करके किताब चलती है, आप उसको तैयारी शुरू करने से पहले एक बार उसकी रीडिंग मार लें बिना किसी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल। फिर जो लक्ष्य आती है, लक्ष्य ने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 देना शुरू कर दिया, जो हमारे सिलेबस में पॉइंट हैं उनको टिक मारें, आप उनको पढ़ें, लक्ष्य मेरे नज़र में सबसे अच्छी है। इसके अलावा जो अपना राजस्थान अकादमी की बुक्स भी आती है, लेकिन लक्ष्य पे लगभग वो चीज़ें वहाँ पे कॉपी कर देता है, तो आप उसको आपको एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसमें आपको राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, ये सब इसमें कवर हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए एक तो राघव प्रकाश की किताब आती है वो पढ़ें, और एक कक्षा 9 से 12 राजस्थान बोर्ड में हिंदी व्याकरण की किताब चलती है वो पढ़ें। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए जो थोड़े बहुत इंग्लिश में कम्पिटेंट हैं या पहले किसी एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, तो आप
वही किताब जो इसमें टॉपिक हैं वो टॉपिक लिख के वो पढ़ें, नहीं तो आप एक रस्तोगी जी की किताब आती है आप वो रेफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका बुक्स का सिलेक्शन हो गया। अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो सोचना है। सबसे पहले आप सिलेबस लें, पिछले 2-3 सालों के पेपर, क्योंकि ये जो नया वाला पैटर्न हुआ है इसमें 2013 और 2016 अभी तक दो ही पेपर में, आप इन दोनों के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर डाउनलोड कर लें। उन पेपर को बिना कुछ किए आप पहले सिलेबस पढ़ें, उसके बाद में उन पेपर को पढ़ें, फिर आप देखें कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पिक किए जा रहे हैं, उस बेस पे फिर आप अपनी तैयारी शुरू करें। जो भी आपको स्टडी मटेरियल मैंने बताया इसमें आप स्टडी मटेरियल का सहारा ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सिलेबस को आपको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। सिलेबस को आप बार बार पढ़ेंगे तो जो भी करंट में हैपनिंग होगी वो आपके दिमाग में जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या न्यूज़ सुन रहे होंगे तो स्ट्राइक होगी, और उससे अपने को कोरिलेट करना है। क्योंकि पिछले सालों में इवन IAS और RAS दोनों में हम देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से लिंक कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2016 RAS मेंस का पेपर 1, उसमें पूछा गया था सीधा सीधा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है उसमें, पूछा गया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में और उनके लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में उसमें पूछा था। अब आप सोचो क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ, मार्च 2017 में एग्जाम होता है, पहले दिसंबर में प्लान था तो हो सकता है पेपर उससे पहले बन गया होगा। अगस्त 15 अगस्त 2016 को लाल किले से जो भाषण हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का, तब मोदी जी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। अब आप सोचो राष्ट्रीय आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान से जुड़े हुए थे, तो वो डायरेक्टली तो हमें ये नहीं पूछेगा कि बलूचिस्तान कहाँ है, क्योंकि ये कोई छोटे लेवल का तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो इनडायरेक्टली उन्होंने वहाँ से क्वेश्चन पिक किया। तो आप ऐसे देखेंगे कि आजकल के जो एग्ज़ाम है वो डायनेमिक नेचर के, स्टैटिक नहीं है। इवन आप देख लो इतिहास को हम स्टैटिक बोलते हैं लेकिन इतिहास भी डायनेमिक हो रहा है। जैसे अभी मान लो 75 वर्ष किसी की आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, या 1942 में जो आंदोलन हुआ उसके इतने वर्ष हो गए, जो चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में रहती है उससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हैं। इसीलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ घटनाएँ हो रही है, उन घटनाओं में से जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं वो चीज़ें हम पिक कर सकते हैं। फिर आप पहले AIR न्यूज़ सुन रहे हैं, अगले दिन उसका न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मंथ के बाद में मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो ये एक साइकिल बन जाएगा आपके दिमाग में, और एक धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा और एक बहुत अच्छा विज़न डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रीलिम्स और मेंस की आप कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं। एक बार जब प्रीलिम्स की डेट आ गई तो ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान RPSC जो पूछती है उसमें काफ़ी कई बार फैक्ट्स भी पूछती है, तो पिछले 5 से 6 महीनों की जो करंट अफेयर्स हैं या जो हैपनिंग है उन पे थोड़ा सा आप एज पर सिलेबस फोकस करें, आपका प्रीलिम्स का काम हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो इस प्रकार कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि राजस्थान में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, दैट मीन्स वहाँ पे मोटा मोटा 10 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में लगभग हर सेक्शन से 15 क्वेश्चन आते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इस प्रकार आप उसको 10 सेक्शन में बांट लें। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कोई ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो उनका ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है उनकी मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर हो जाए, रीजनिंग कमज़ोर हो जाए, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या BSc बैकग्राउंड का तो उनकी मैथ्स और साइंस स्ट्रॉन्ग होगी तो ह्यूमैनिटीज़ कमज़ोर हो जाए। तो आप अपना वाला इशू, करंट अफेयर्स और भूगोल वाला पोर्शन आप इसको पढ़ें और एक सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच करें कि भाई मेरे को 150 में से 120 या 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट मारने, आपको अटैम्प्ट ज़्यादा करने, आप पहले से उस हिसाब से अपने मानक तैयार करेंगे या तय करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी और आप उसी हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। जब आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 100 तो सही हुए, नेगेटिव मार्किंग भी माइनस करेंगे तो आपके लगभग 90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और 90 क्वेश्चन सही हो गया मतलब कि आप वेल अहेड है। आप कभी भी ये वेट नहीं करें कि यार पिछली बार तो कट ऑफ 78 थी तो मैं 78 ले आता हूँ या 70, आप 100 प्लस सोचो तो फिर वो कट ऑफ साइज 78 रहे चाहे 89 रहे उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब हमने पैरामीटर्स हमारे हाई सेट किए हैं तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से होगी। ये हो गया प्रीलिम्स पास करने का तरीका। उसके बाद में मेंस, मेंस नॉलेज से ज़्यादा लिखने की कला है। मैं आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ भंडार, ज्ञान का भंडार इकट्ठा करना नहीं है, आपको सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी है, फालतू में आपको भटकाव नहीं होना चाहिए। इसकी मदद लेने के लिए आप कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि कोचिंग आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, जो रिसर्च आप करेंगे वो रिसर्च का टाइम आपका बचाएगी, वो रिसर्च करके आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करेगी, वो मटेरियल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये जर्नलिस्ट का एग्ज़ाम है, ये एक जनरल अप्रोच मांगता है और हमें जनरल अप्रोच के हिसाब से ही तैयारी करनी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सागर की गहराइयों में नहीं जाना है, और
जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है टू द पॉइंट आंसर करने। जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया 1857 की क्रांति के परिणाम बताइए, हम क्या करेंगे? उसने 10 नंबर का क्वेश्चन है और राजस्थान में अभी 10 नंबर वाले क्वेश्चन के 100 शब्दों का क्वेश्चन होता है तो 12-13 लाइन देता है। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा जो ह्यूमैनिटीज़ का है, हम क्या करेंगे कि अपनी विद्वता झाड़ने के लिए पहले 1857 पे 4-5 लाइन लिख देंगे, तो 4-5 लाइन तो ख़राब हो गई, फिर हम उसके परिणाम लिखना शुरू करेंगे। तो आपकी 12 में से 6 लाइन तो आपने पहले ही ख़राब कर दी, आपके पास 6 लाइन बचती है। अब 6 लाइन में आप क्या परिणाम लिखें आप खुद सोच सकते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर पे तो आपने वैसे लिया है, अब आप 5 नंबर में क्या स्कोर करेंगे? ह्यूमैनिटीज़ में पूरे मार्क्स तो आप स्कोर नहीं कर सकते, 40-50% स्कोर करेंगे। तो अब आप सोचें कि 5 में से आपने 50% भी स्कोर किया, बहुत अच्छा लिखे तो 2.5 नंबर आए, तो आपके 10 में से 2.5 नंबर आएंगे। अब आप सोचें कि 10 में से 2.5 नंबर आएंगे, फिर हम RPSC को ब्लेम करेंगे कि यार, या किसी सर को ब्लेम करके उसने क्या पढ़ा दिया। इसीलिए मेंस में आप ये ध्यान रखें कि सब उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसी चीज़ का आंसर करना है, हमें अपनी विद्वता नहीं जाननी है। ये एग्ज़ाम कोई विशेषज्ञ एग्ज़ाम नहीं है, जर्नलिस्ट सामान्य अप्रोच है, जर्नलिस्ट अप्रोच रखनी है और उसके साथ ही एग्ज़ाम पास करना है। हमारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हमें ये एग्ज़ाम पास करना है, न कि हमें कोई साइंटिस्ट या कोई PhD डिग्री लेनी है। तो इस प्रकार दोस्तों, मैं अपना जो ये आप लोगों का जो क्या बोल सकते हैं संबोधन है, इसको मैं इस प्रकार समाप्त करना चाहूँगा। और मैं जो मेरी जर्नी में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं उन लोगों को एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। उसमें मैं जो मेरे कुछ मित्रगण हैं, जिसमें जयपाल सिंह शेखावत हैं, एक्स नेवी हैं जाखल के, और एक मेरे गजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, वो भी एक्स नेवी हैं, हम तीनों की मंडली थी और हम साथ में तैयारी करते थे। इसके अलावा जो मेरे मामा हैं रतन सिंह शेखावत, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, उसके जो उसका मैंने कीमती बचपन का जो समय है और जो फादर एक उसको दे सकता था, मैं उसके लिए उसका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा, क्योंकि मैं उसको जो टाइम दे सकता था या देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया। और मेरी माँ, मेरा भाई देवेंद्र जो कि एयरफोर्स में सर्विस करता है, उसका भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट था, मेरी सिस्टर और मेरा भाई की वाइफ, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। और जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था वो डॉक्टर उमेश शर्मा थे और उनकी मैडम डॉक्टर नीता शर्मा थी, वो दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और उनका इतना कोर्डियल एनवायरनमेंट था कि उनके घर में, मैंने ऊपर का फ्लोर पूरा रेंट पे ले रखा था और मैं वहीं रहता था, उनकी तरफ से पूरा प्रयास रहता था कि हम, मेरे को वो सर बोलते थे, ऑल्दो मैं उनसे काफ़ी एज में छोटा था और सर्विस में भी छोटा था, लेकिन मैं एज में एक्स नेवी था तो वो मेरे को उस हिसाब से रेस्पेक्ट देते थे। और वो बोलते थे कि सर लैंडलॉर्ड आप हैं, क्योंकि मैम वहाँ रहती नहीं थी, सिर्फ सर और उनका बेटा रहते थे और मेड आती थी, वो खाना वाना बना के चल देती थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और इस जर्नी में मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा जो पतंजलि धर्मेंद्र सर के निर्देशन में, पतंजलि और उसकी टीम जिसमें सुजीत सर, राजेश मिश्रा सर और जो हमारे राजस्थान के जो लोकल टीचर रहे हैं, जो SS बिश्नोई सर और अशोक सर, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद में जो इंटरव्यू के प्रोसेस में मेरे को बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, लाइक इंटरव्यू के मीन्स मेंस लिखने के बाद में मैंने AG ऑफिस जयपुर में ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ पे एक मेरे सहकर्मी हैं भंवर सिंह जी शेखावत, वो एक्स चित्तौड़ियन है और काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, मतलब कई बार 10-12 बार उन्होंने SSB भी दिया है। इसके अलावा जो मेरे सेक्शन के इंचार्ज हैं, WM है प्रकाश सिंह यादव, वो भी काफ़ी मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो इस प्रकार मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी जर्नी पे चलना शुरू करते हैं तो इस जर्नी में सैकड़ों लोग आपको मिलते हैं और मतलब सारी चीज़ें आपके पक्ष में अपने आप होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इसको समाप्त करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सकारात्मकता बनाए रखें, आप पॉजिटिव रहें, किसी के बारे में गलत नहीं सोचें, आपके जब इरादे नेक हैं, आपकी मेहनत एक सही डायरेक्शन में हो रही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।